हेलो गाइस, डेली न्यूज में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं आशीष चंचलानी के बारे में। आशीष चंचलानी की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट देखने को मिला। अब इतने सालों के बाद फाइनली आशीष चंचलानी की जो वीडियो है वो जल्द से जल्द हमें देखने को मिलेगी। वो एक ट्रेलर टाइप का अपने सोशल मीडिया में पोस्ट डालते हैं। वो क्या डालते हैं आप देखें। क्या आपको मालूम है इस देश में से कई जगह है जहाँ हम इंसानों को जाना मना है, लेकिन इंसान सुधरते कहाँ है। ये कहानी ऐसे ही कुछ इंसान और ऐसी कुछ जगहों की है। मिलते हैं जल्द। अब इस पोस्ट को कोट करते हुए उनके एक फैन मीम डालते हुए लिखते हैं, मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए आशीष भाई। जिसका रिप्लाई करते हुए आशीष चंचलानी रोने वाला इमोजी डालते हैं और लिखते हैं, आई लव यू ब्रो, वर्किंग हार्ड। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एजाज खान के बारे में। क्या एजाज खान जेल जाने वाले हैं? तो बेसिकली क्या हुआ, आप जैसे कि जानते हो कि हर्ष बेनीवाल ने एक पैरोडी वीडियो बनाया है एजाज खान के ऊपर, जिसके बाद हमको एजाज खान की तरफ से भी वीडियो देखने को मिला। आप लोगों ने भाई ये वीडियो देखा ही होगा। अब सम्राट भाई इस चीज पे रिएक्ट करते हैं और वो एक ट्वीट डालते हैं जहाँ पे लिखते हैं, भगवान कसम इसको जेल में डलवाया जाएगा जल्द से जल्द, प्रॉमिस। नीचे वो एजाज खान की वही वीडियो डालते हैं जो वो हर्ष बेनीवाल के रिप्लाई में बोले थे। एंड अगर हम एजाज खान के बारे में बात कर रहे हैं तो भाई एजाज खान एंड ऑल्सो राजवीर फिटनेस की लड़ाई अभी तक रुकी नहीं है। आप लोगों को पता ही होगा ये लड़ाई कहां से स्टार्ट हुई थी और कहां तक खत्म हुई थी। बेसिकली यार राजवीर फिटनेस लास्ट टाइम मुंबई गए थे, लेकिन एजाज खान एंड ऑल्सो राजवीर फिटनेस की हमें कोई लड़ाई वगैरह देखने को मिली नहीं। लेकिन अभी यार हमें ये अपडेट मिली है कि भाई जो राजवीर फिटनेस है वो दोबारा से मुंबई जा रहे हैं। भाई लिटरली बेसिकली हुआ क्या कि मुंबई के अंदर 21 तारीख को भाई एक अवार्ड फंक्शन होने वाला है जहां पर यार राजवीर फिटनेस भी जा रहे हैं। तो इसी चीज पे राजवीर फिटनेस ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी को अपलोड किया जहां पर वो कहते हैं 21 को मुंबई। इतना ही नहीं, इस वाले पोस्ट के कैप्शन में वो लिखते हैं, कर लो तैयारी आ रहा हूं फिर से। अब देखते हैं भाई ये लड़ाई हमें यार कंटिन्यू होती हुई दिखती है या नहीं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फुकरा इंसान की ECL टीम बेंगलोर बैसर्स के बारे में। तो भाई अभी फाइनली यार ECL से बेंगलोर बैसर्स यानी फुकरा इंसान की जो क्रिकेट टीम है वो एलिमिनेट हो गई है। अभी तक इन्होंने यार 4 क्रिकेट मैच से खेले हैं एंड 4 में से भाई फुकरा इंसान एक भी मैच लिटरली नहीं जीते, चारों के चारों मैच हार गए एंड इनकी जो टीम है वो ऑफिशियली एलिमिनेट हो गई है। इस चीज पे थगे सेंट फुकरा इंसान ने खुद रिएक्ट किया। एक पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने कहा, अगले साल कप नाम दे एंड आई होप कि नेक्स्ट टाइम यार फुकरा इंसान जरूर जीते। अब बेंगलोर को ये जो डिफीट यार फेस करना पड़ा इससे रिलेटेड एल्विस यादव भी बात करते हैं ट्वीट करके, जिसमें वो कहते हैं, जेन्युइनली फीलिंग बैड फॉर बेंगलोर। अब अगर हम ECL के बारे में बात कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा, मैंने आप लोगों को एक दो दिन पहले वाली वीडियो में बताया था कि भाई ECL का मैच चल रहा था मुनावर फारूकी एंड एल्विस यादव की टीम के बीच, जहां पर उस मैच को रोक दिया गया था ये बोल के कि एल्विस यादव को मारने की धमकी वगैरह मिली है, इसीलिए पुलिस आ गई थी, एंट्री कर ली थी ग्राउंड के अंदर, मैच को रुकवा दिया था। लेकिन अभी के टाइम पे भाई ये जो अपडेट है वो ये आ रही है, वो जो मारने की धमकी मिली थी वो एल्विस यादव को नहीं बल्कि उनकी जगह पे भाई मुनावर फारूकी को मिली थी, इसीलिए मैच को बंद कराया गया था। अब आप लोगों का क्या रिएक्शन इस चीज पे मुझे अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर बताना। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बंडर सब से प्रेरणा मल्हान को मिला एक अवार्ड, और वो जो अवार्ड है वो है यूट्यूबर ऑफ द ईयर 2024। इससे रिलेटेड वो एक पोस्ट डालते हुए नजर आती हैं अपने सोशल मीडिया में, अपने इंस्टाग्राम पे, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मिस्टर बीस्ट के बारे में। आप लोगों को पता ही होगा कि लोगन पॉल, मिस्टर बीस्ट, KSI ये तीनों ने कोलैब करके अपना एक ब्रांड लॉन्च किया है। उससे रिलेटेड काफी सारे लोग काफी सारी चीजें बोल रहे थे। तो एक बंदा लिखता है कि व्हाट हैपेंस टू यूट्यूबर्स मैन, आई कांट नॉट से एनीथिंग एनीमोर, दिस इज सीलिंग स्टफ फॉर द सेक ऑफ मेकिंग मनी, सिंपल हाउ डज दिस बेनिफिट देयर फैंस, दिस इज सेलिंग क्रैप टू किड्स हु डोंट नो बेटर देन टू ट्रस्ट द पीपल हु आर सेलिंग इट टू देम डू बेटर। ये जो चीज बोला इन्होंने, इनके ऊपर लोगन पॉल रिएक्ट करते हैं और वो लिखते हैं, आई विल टेल यू व्हाट हैपेंस टू यूट्यूबर्स, वी स्पेंड अवर लाइव्स क्रिएटिंग कंटेंट एंड बिल्डिंग अवर ब्रांड, नाउ वी वांट टू बिल्ड बिजनेस, यू डोंट से एनीथिंग व्हेन लंचेबल्स फेसेस व्हेन फॉर एलिजिबली कंटेनिंग लीड, बट व्हेन वी क्रिएट अ बेटर वर्जन यू आर अपसेट देन डोंट ईट इट। तो मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।